अगर आप रिएक्ट डेवलपर हैं तो ये गलतियां करने से बचे। पहली गलती, इम्प्योर ढंग से ऑब्जेक्ट या एरे को अपडेट करना। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, देखो स्टेट तभी अपडेट होता है रिएक्ट में जब एक नया रेफरेंस मिलता है उसको। अगर रेफरेंस अपडेट नहीं होता है तो स्टेट का अपडेशन नहीं होता है और रीरेंडर ट्रिगर नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट या एरे को अपडेट कर रहे हो तो आप एक प्योर अपडेशन करो, एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया एरे दो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आपने देखा कि यहाँ डॉट पुश कर रहे हैं, डॉट पुश नहीं करना है एरे पे। ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी इक्वल्स टू एक्स ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हमें नया बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉट कॉन्कैट यूज करना चाहिए, डिस्ट्रक्चरिंग स्प्रेड करके नए प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहिए। और ऑब्जेक्ट लिटरल में अगर आप यहां देखोगे तो ऑब्जेक्ट लिटरल में आप अपडेट कर रहे हो इस चीज को, तो ऑब्जेक्ट लिटरल में उसको नया ऑब्जेक्ट देना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि या तो एक नया एरे दे अगर एरे है तो, या एक नया ऑब्जेक्ट दे और वैसे ही फंक्शंस यूज करें, प्योर फंक्शंस यूज करें जैसे कॉन्कैट ना कि पुश, जिससे एरे न्यू बनकर आता हो। जैसे मैप, मैप एक नया एरे देता है, इसलिए आप प्योर फंक्शंस में मैप, फिल्टर, रिड्यूस ये यूज करते हैं क्योंकि इन सब में एक फ्रेश न्यू आउटपुट आता है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सेट स्टेट एसिंक नहीं है, सेट स्टेट सिंक है, बट सेट स्टेट पूरी तरह से एसिंक्रोनस है। तो अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये देखिए काउंटर 5 है, उसके बाद सेट काउंटर काउंटर प्लस 1, तो हम काउंटर के वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं और कंसोल डॉट लॉग काउंटर कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या लगता है क्या वैल्यू आएगी इसकी? आपको लगता है कि 6 आएगी तो आप गलत सोच रहे हैं, 5 आएगी। अगले री रेंडर में व्यू में इसकी वैल्यू अपडेट होगी, उसके बाद अगर कहीं कंसोल लॉग होगा तभी इसका वैल्यू 6 होगा। तो ये बात नहीं समझना कि जब हम सेट स्टेट कर रहे हैं, काउंटर को अपडेट कर रहे हैं स्टेट को, उस समय उसकी वैल्यू तुरंत से अपडेट नहीं हो जाती, अगले व्यू अगले साइकिल में अपडेट होती है। इसमें इस मेंटल मॉडल से हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान रखने का। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम React डॉट फ्रैगमेंट नहीं यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, हम हर जगह डिव यूज करते हैं। तो पहले React में ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि आपको एक इंक्लोसिव डिव देना होता था, एक इंक्लोजिंग HTML टैग देना होता था सारे बॉडी को, तो लोग डिव यूज करते थे, काफी ज्यादा यूज करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उससे। लेकिन विथ टाइम React डॉट फ्रैगमेंट आया और अब आप React डॉट फ्रैगमेंट से पूरा का पूरा बॉडी रिटर्न कर सकते हो एक इंक्लोजिंग डिव में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी भी डिव यूज करते रहते हैं और डिव के कारण कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा डिव हर जगह हर कंपोनेंट पे एक एक्स्ट्रा डिव लग जाता है और अननेसेसरी आपका जो कंपोनेंट ट्री है, आपका जो HTML डॉम ट्री है वो लंबा हो जाता है, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ये जो माई कॉम्पोनेंट है जिसमें एक डिव है और डिव के अंदर हेलो वर्ल्ड और क्लिक मी है, तो हेलो वर्ल्ड और क्लिक मी को एनकेस करने के लिए हमने डिव का यूज किया है। लेकिन जो बेहतर एग्जांपल है वो ये होगा कि हम React डॉट फ्रैगमेंट यूज करें और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड और क्लिक मी को दोनों को एनक्लोज करते हैं। चौथी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम कीज का यूज नहीं करते हैं एरे को रेंडर करते समय। इसके लिए कंसोल में एरर भी आता है, कई बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम ये भी करते हैं कि कीज डालते तो हैं लेकिन एरे के इंडेक्स को ही की तरह यूज करते हैं, ये भी एक बहुत बैड प्रैक्टिस है। पहला तो आप की डालिए, दूसरा की में इंडेक्स मत डालिए, की में हमेशा आईडी आनी चाहिए। तो आपको अपने बैकएंड को बोलना चाहिए कि आप जो भी डेटा दे रहे हो, देखो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस ऐसे भी है कि अगर कोई एरे के डेटा आता है तो उसमें एक आइडेंटिफायर एक आईडी तो होनी ही चाहिए, उस आईडी को आप की तरह यूज कीजिए, तभी रिएक्ट बेटर रिकंसिलिएशन कर पाएगा और अपडेट्स फास्टर हो पाएंगे, नहीं तो रिएक्ट को ज्यादा मुश्किल पड़ती है। इस पे काफी बड़ा ब्लॉग भी है जो आप पढ़ सकते हैं कि आखिर की क्यों जरूरी है और उससे रिएक्ट को क्या फायदा होता है। पांचवी गलती जो हम ये करते हैं कि हम अभी भी क्लास का यूज कर रहे हैं। देखो अब तो रिएक्ट खुद भी पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ, अब क्लास कंपोनेंट्स कोई भी यूज नहीं करता। हाँ ऐसे कई जगह हैं जहां लेगेसी कोड है और कुछ लेगेसी यूसेज है जिसके लिए शायद आपको क्लास कंपोनेंट्स यूज करना पड़े, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लिख रहे हो, नया प्रोजेक्ट लिख रहे हो, नया कोड लिख रहे हो, तो जरूर से सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज करें। छठी गलती जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम हुक्स नहीं यूज करते हैं। आज भी बहुत लोग क्लास कंपोनेंट्स यूज करते हैं, सेट स्टेट यूज करते हैं और हुक्स नहीं यूज करते हैं, जबकि यार अब अगर हुक्स नहीं यूज कर रहे हो तो वो सच में बहुत भारी गलती हो रही है। तो आज आप जो भी नया कोड लिख रहे हो उसको हुक बेस्ड लिखो और हुक्स यूज करो, और अगर आप रिएक्ट सीखना भी शुरू कर रहे हो तो आज आप हुक से ही रिएक्ट सीख सकते हो, क्योंकि 16.8 को आए हुए काफी टाइम हो गया और उस टाइम से हुक्स चल रहा है, अब तो काफी साल हो गए हैं, तो अब हमें जरूरी है कि हम हुक्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें। सातवीं गलती जो हम करते हैं और हम सब कई बार करते हैं कि हम एक बहुत ही बड़ा सा कॉम्पोनेंट लिख देते हैं और उसमें ही सब कुछ कर देते हैं। देखो रिएक्ट में ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये
है कि हम चीजों को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़े, रीयूजेबल कंपोनेंट्स में तोड़े, और अगर रीयूजेबल नहीं भी हो कई बार तो भी कंपोनेंट्स को तोड़ने का ये फायदा होता है कि आपका एक मेंटल मॉडल अच्छा बनता है, आप डिक्लेरेटिव दिखते हो कि अच्छा ये लिस्ट है, इसके अंदर ये लिस्ट आइटम कॉम्पोनेंट्स हैं इस तरह से। तो जब आप इस तरह से प्रेजेंट भी करते हो अपने कॉम्पोनेंट्स को तो रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है कोड की, क्योंकि जब आप फाइनल देख रहे हो तो आपको पता है आप कॉम्पोनेंट ज्यादा देख रहे हो, कॉम्पोनेंट्स के अंदर के कोड एब्स्ट्रैक्टेड अवे हैं तो काफी क्लीन लुक आता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इस पहले एग्जांपल में आप देखो इसमें एक माई कंपोनेंट है, इसमें एक हेडर हमने यहीं पर लगा दिया और फिर एक हमने लिस्ट भी यहां पर लगा दिया और फिर एक लर्न मोर बटन भी लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसे हम तोड़ते तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। जैसे आप सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें हमने क्या किया, पहले एक हेडर कंपोनेंट बनाया, फिर एक रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट बनाया, क्योंकि लिस्ट एक अलग कंपोनेंट पीस है, हेडर एक अलग कंपोनेंट पीस है, ये बाद में आपके ऐप में अलग अलग जगह यूज भी हो सकते हैं। और अगर नहीं भी यूज हो रहे हैं तो अगर आप देखोगे माई कंपोनेंट को अब, तो वो काफी क्लियर है कि उसमें एक हेडर कंपोनेंट भी है और एक रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट भी है, और अगर आपको बटन ऐड करना है इसमें तो आप बटन नीचे ऐड कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। लेकिन ये कंपोनेंट्स रीयूजेबल और रीडेबल दोनों बना देते हैं आपके कोड बेस को। ये तुमने मांगा था कि कोड क्वालिटी पे वीडियो लेकर आइए, भैया ये तीसरा वीडियो है उस सीरीज का, तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे जरूर से कमेंट में बताओ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस प्लान में है, अगर कमेंट्स आएंगे तो वीडियोस चैनल पर आएंगे। आठवीं गलती जो हम करते हैं, और ये तो हम बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, कि हम यूज स्टेट लेकर पागल हो जाते हैं। तो अरे तुम भी यूज स्टेट लो, तुम भी यूज स्टेट लो, तुम भी यूज स्टेट लो, हर कोई यूज स्टेट लो। लो एक एक कंपोनेंट में जब इतने सारे यूज स्टेट डालोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीजों को मैनेज करना बहुत क्विकली, क्योंकि दो आप करते हो होते हैं हाँ ठीक है, एक और करना है कर लेते हैं क्या दिक्कत, तीन अच्छा अब एक और ही तो करना है, तो इंक्रीमेंटली आपको लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब वापस से आप देखते हो तो आपको लगता है कि इस स्टेट के साथ मुझे उस स्टेट को ही मैनेज करना पड़ रहा है, उसको ही मैनेज करना पड़ रहा है, ओ माय गॉड कहां से आ गए बग्स। तो बग्स को अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा रूल है जो मैं सबको बोलता हूं, कि जैसे ही तीन से ज्यादा यूज स्टेट हो, तीन से ज्यादा स्टेट वेरिएबल्स हो, वैसे ही यूज रिड्यूसर यूज करना शुरू कर दो, तुरंत से रिड्यूसर पर शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि अगर तीन से ज्यादा हो रहे हैं तो कंपोनेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता भी जा रहा है, और इस केस में आपको ऑलरेडी यूज रिड्यूसर यूज करना शुरू कर देना चाहिए। उससे क्या है, बिल्कुल क्लीन रहता है लॉजिक, एक दूसरे पे जो स्टेट वेरिएबल डिपेंडेंसी होती है आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो रिड्यूसर के अंदर, और मेंटल मॉडल जो होता है एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट के स्टेट का वो काफी क्लीन हो जाता है। यही नहीं, कोड रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है जब यूज रिड्यूसर का कोड आप देखो। यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये फंक्शन है माई कॉम्पोनेंट, इसमें नाम, एज, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस इतने सारे हैं। जब इन्हीं चीज को हम रिड्यूसर में चेंज करते हैं तो काफी क्लियर है कि ये एक्शंस हैं, सेट नेम, एज, ईमेल, और जहां एरर्स हमें सेट करने होंगे वहां एरर सेट कर सकते हैं, और बहुत क्लियरली इतने सारे आपका जो कोड है, जो कॉम्पोनेंट का कोड है, वो भी आप देखो यहां पर लिटर्ड विथ यूज स्टेट्स नहीं है, है ना, लिटर्ड मतलब फैला हुआ नहीं गया है, यू स्टेट। तो रीडेबिलिटी भी बढ़ गई, कंपोजिबिलिटी भी बढ़ गई, प्रिडिक्टेबिलिटी भी बढ़ गई, और डिबगिंग के लिए भी कोड ईजियर हो गया। टेस्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है जब आप रिड्यूसर में कोड लिखते हो, तो रिड्यूसर को टेस्ट करना बहुत ईजी, क्योंकि जो रिड्यूसर होता है वो एंड ऑफ द डे एक सिंपल सा फंक्शन है, तो उस फंक्शन को टेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। कंपोनेंट में जब आप इतने सारे स्टेट्स लिखते हो तो बार बार आपको कंपोनेंट के एंगल से सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में टेस्ट करना पड़ता है, यहां आप यूनिट में ही टेस्ट कर सकते हो अपने पूरे के पूरे लॉजिक को, क्योंकि लॉजिक जो है आपने कंपोनेंट के बाहर निकालकर उसको रिड्यूसर के अंदर रख दिया है। नाइन्थ मिस्टेक जो हम करते हैं, नौवीं गलती वो ये है कि हम फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें बोलते हैं कि तुम भी यहीं रहो। तो उसमें क्या होता है कि फिर से प्रेडिक्टेबिलिटी और रीडेबिलिटी खराब हो जाती है। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब मैं कोई फाइल ढूंढ रहा हूं तो वो फाइल कहां होनी चाहिए, किस फाइल के एडजेसेंट होनी चाहिए, क्या नेमिंग होनी चाहिए, अगर मैं उसको सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं यहां वहां ढूंढते रहूंगा, और कई बार मुझे नेम पता ही नहीं है उस फाइल का तो मैं सर्च भी डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं आईडी पे। उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो एक क्या कहते हैं उसको एक खिचड़ी बन जाता है पूरा का पूरा कोड, सब कुछ एक ही जगह पर है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मेंटल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मेंटल मॉडल नहीं है। आप एक सोने के लिए एक रूम रखते हो,
खाने के लिए एक रूम रखते हो, दोस्तों से मिलने के लिए एक रूम रखते हो, वैसे रखते हो ना, स्ट्रक्चर करते हो ना चीजों को, फोल्डर में स्ट्रक्चर करने में तो वही होता है। और जब कोई नया इंसान भी कोड पढ़ता है तो वो समझता है कि अच्छा इनके लेआउट्स के एक फोल्डर है, इनके कंपोनेंट्स के एक फोल्डर है, इनके यूटिल्स के एक फोल्डर है, और उन फोल्डर्स में ये सारी चीज, इनके टेस्ट्स के एक फोल्डर है, तो टेस्ट इनका अलग रहता है या टेस्ट साथ में रहता है। तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोड को अलग अलग फोल्डर में ढंग से स्ट्रक्चर कर पाए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बना दिया, उसमें हेडर, फुटर, कार्ट, प्रोडक्ट सब डाल दिया। अब ये समझने की जिम्मेदारी आपकी है कि कंपोनेंट का क्या मतलब होता है। देखो रिएक्ट में तो सब कुछ ही कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट नाम से तो कुछ खास फायदा हुआ नहीं अगर हमने उसको एक दूसरे तरफ से बैलेंस नहीं किया। तो अगर इसको हम सही से करें तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि कंपोनेंट्स तो हैं, कंपोनेंट्स के अंदर एक लेआउट है, तो हेडर और फुटर जो है वो लेआउट के लिए यूज होता है, रियूजेबल कंपोनेंट्स हैं। और फिर पेजेस हैं, कार्ट का एक पेज है, प्रोडक्ट का एक पेज है, ये अलग अलग पेजेस, तो हम समझ में आ जाए कि स्लैश कार्ट पे एक पेज होगा, स्लैश प्रोडक्ट पे एक पेज होगा। तो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग आ गई छोटा सा थोड़ा सा चेंज करने में। ये इतने छोटे कोड में भी अगर आपको इतना अंतर समझ में आ रहा है तो सोचो कि जब आप बड़े कोड बेस में बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोडक्शन लेवल कोड लिखोगे, तो ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके फोल्डर के नेमिंग्स, आपके फाइल के नेमिंग्स, आपके फोल्डर के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही रहें और प्रेडिक्टेबल रहें। 10वीं गलती जो हम करते हैं वो छोटे सा मिस्टेक है, गलती नहीं कहना चाहिए इसको, ऐसा कहना चाहिए कि ये करोगे तो कोड और बेटर दिखेगा, वो है डीस्ट्रक्चरिंग का यूज नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, प्रॉप्स लेते हैं, बोलते हैं प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट हेडर, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, ऐसा करते रहते हैं। क्या जरूरत है यार, डिस्ट्रक्चरिंग है तो जब फंक्शन में प्रॉप्स आ रहे हैं उसी समय उसको डिस्ट्रक्चर कर लो। ये एग्जांपल देखो, इसमें हमने कैसे टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को डिस्ट्रक्चर कर लिया। प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रक्चर कर लो तो आपको प्रॉप्स डॉट टाइटल और प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से सुंदर लगता है ना, कोड देखने में समझ आ रहा है कि अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आया है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हम यूज कर रहे हैं। हाँ, वो प्रॉप्स में आया है, ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको प्रॉप्स लिखकर उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई ये कोड पढ़ रहा है उसे ये बात समझ में आ जा रही है कि प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर किया गया है और कोड क्लीन हो गया है थोड़ा। 11th और 12th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े एडवांस लेवल की चीजें हैं, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इन दोनों के लिए उतने परेशान मत हो, लेकिन जानना जरूरी है तो जान लो। तो 11th गलती जो हम करते हैं, हम रिएक्ट में एरर बाउंड्रीज का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि भैया एरर बाउंड्रीज क्या होती है, अरे यार रिएक्ट है चाहे कोई भी प्रोग्राम है, उसमें एरर तो आएगा ही, एक्सेप्शनल केसेस तो होंगे ही, एक्सेप्शनल केस थ्रो तो होगा ही। अगर उस चीज को आप हैंडल नहीं करोगे, उस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि पूरा प्रोग्राम फट जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ क्या हुआ, और आपका यूजर बेचारा कंफ्यूज था, ऐसे ऐसे देखते रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। तो इस मुश्किल से बचाने के लिए आप यूज करो एरर बाउंड्री, ओ मेरे भाई। कैसे एरर बाउंड्री यूज करते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो रिएक्ट डॉक्स पे, क्योंकि इतने छोटे से वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको एरर बाउंड्री अच्छे से समझना है या कोई भी इसमें से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, तो जरूर से कमेंट कर देना कि भैया ये वाला टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए, मैं वो वीडियो बनाकर ले आऊंगा। 12वीं गलती जो हम करते हैं, अगेन इसको गलती बोलना थोड़ा स्ट्रांग है, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आज के टाइम पर अगर कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बन रहा है जो रिएक्ट में लिखा जा रहा है और ये एक सीरियस प्रोडक्ट है, तो आप उसमें टाइपस्क्रिप्ट कैसे नहीं यूज कर सकते हो, आपको करना ही चाहिए। टाइपस्क्रिप्ट नहीं यूज करना एक बहुत भारी गलती हो सकती है, क्योंकि जब आपका कोड बेस बढ़ेगा तो हर तरफ से फटेगा और आप नहीं चाहते हो कि ये हो, और इसलिए टाइपस्क्रिप्ट आपको थोड़े से गार्ड रेल्स दे देता है, थोड़ा आपके बग्स के प्रॉब्लम कम कर देता है। और यही नहीं, जब आप शुरू कर देते हो यूज करना तो आपको पता चलता है कि आपकी डेवलपमेंट स्पीड भी बढ़ गई, क्योंकि अब आपको दिमाग में उसके प्रॉप्स नहीं याद रखने, उसका स्टेट नहीं याद रखना, उसके टाइप्स नहीं याद रखने, काफी सारा आईडी आपको हेल्प कर पाता है। तो एक तरह से अगर टाइपस्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हो तो थोड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं एज अ बिगनर ये लास्ट की दो चीजें अभी तुम्हें जाननी जरूरी नहीं है, आराम से प्रोजेक्ट बना लो, जॉब में चले जाओ, उसके बाद ये दोनों चीजें भी कर लेना। यार कोड क्वालिटी का ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, ये तुम्हें कैसा लगा जरूर से कमेंट बताना, जितना तुम अच्छा कमेंट करोगे, जितने लाइक्स शेयर सब्सक्राइब्स आएंगे, उतना मुझे मन करेगा कि और बढ़िया कोड क्वालिटी के वीडियोस बनाऊं और सबकी कोडिंग की क्वालिटी अच्छी कर दूं।